देखो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है आपको ए और बी, यानी कि क्या बोला गया है, ए बी से उतना छोटा है, यानी कि ए बी से उतना छोटा है, कितना छोटा है वो अब आपको नहीं पता। नेक्स्ट लाइन क्या है, ए सी से उतना बड़ा है, यानी कि ए सी से उतना बड़ा। ए होती है क्वेश्चन को लिखने की ट्रिक, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है कि बी सी से उतना बड़ा, यानी कि बी सी से जितना बड़ा है उतना कि ए और ए, यानी कि दोनों आपको बड़े हैं, ए और ए की यानी कि ए की आपको निकाल ली है और सबसे बड़ा माना गया है आप कभी तक का ए, उसको हमें यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए क्या होता है कि इसमें बोला गया है बी और सी, ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम लगाएंगे प्लस प्लस के रूप में, क्योंकि ए और ए में पूछा गया और ए जितना इससे बड़ा है, ए और बी से यानी कि सभी तक का बड़ा ए माना गया। तो आपको क्वेश्चन ही करना है सिंपल सा, बी और सी को निकाल के और टू ए करना है, यानी कि ए टू है दो बार तो हम टू ए लग देंगे और बी सी को हमको पता के साथ निकाल। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, ट्रिक बनती है कि बी प्लस सी बटे दो, इस प्रकार से अब लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो संख्या है 48 कितना बड़ा है, 48 यहाँ पे 2 है, 2 से हम दे देंगे भाग, यानी कि 2 से जब हम 48 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौके, यानी कि 24 वर्ष बड़ा है, कितना बड़ा है, यानी कि ए की आयु आपको निकल के पता चल गई है कि ए की आयु कितनी है, 24 वर्ष है। इनके जो आयु संबंधी प्रश्न थे जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, हमने आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करवा दिया। अगर इस क्वेश्चन को आपने सीखा है तो आपके 2 नंबर SSC GD में कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम।